गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। दो दिवसीय दौरे पर 26 नवंबर को अपने गृह जनपद आएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 27 नवंबर को वाराणसी के लिए होंगे रवाना। स्वदेशी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने यूपी सरकार को दिए 50,000 पीपीई किट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। फ्लिपकार्ट के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा यूपी की जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है फ्लिपकार्ट। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने क्लिनिक के कर्मचारी ओमकार उपाध्याय को गीडा थाना क्षेत्र के गाहासार रेलवे पुल के पास गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग के आला अधिकारी शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मंडलायुक्त जयंत नालेकर की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई रामगढ़ ताल की परियोजनाओं के रखरखाव की समीक्षा बैठक। कार्यदायी संस्था से रामगढ़ ताल की परियोजनाओं को गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हैंडओवर करने के दिए निर्देश। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की समीक्षा। ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर डाटा एंट्री के संबंध में की चर्चा। कहा कार्यों में लाएं तेजी। मंडलायुक्त ने बुधवार को चिड़ियाघर के निर्माणाधीन कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। बैठक कर कार्यों की समीक्षा। तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा जल्द जनता के लिए उपलब्ध होगा चिड़ियाघर। स्वास्थ्य विभाग की टीम दीपावली से लेकर छठ तक दिल्ली से आए यात्रियों की कर रही है तलाश। घर घर जाकर यात्रियों की जाएगी जांच। सीएमओ ने कहा कोरोना के दूसरी लहर के संक्रमण को रोकने के लिए विभाग कमर कसकर है तैयार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक। गाँव के विकास के लिए DPR के तहत ई टेंडरिंग कराकर कार्य शुरू कराने के दिए निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण देकर उन्हें सुपोषित बनाने पर दिया गया जोर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 10 नंबर बोरिंग स्थित कुष्ठ आश्रम में रह रहे कुष्ठ रोगियों को सेल्फ केयर किट और उनके लिए विशेष रूप से निर्मित चप्पलों को किया वितरित। कुष्ठ आश्रम का निरीक्षण कर कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। SSP द्वारा गीडा और सजना थाने का किया गया औचक निरीक्षण। कार्यालय में रखी गई फाइलों अभिलेखों के रखरखाव और साफ सफाई का लिया जायजा। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में बुधवार को मिले 52 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,868। अब तक 320 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 432 एक्टिव हुए मरीज। CMO डॉ. श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय गोरखपुर पर एक दिवसीय किया धरना प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से परिवहन आयुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन। और अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर दीवानी कचहरी स्थित सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार कक्ष में आयोजित की गई संगोष्ठी। अधिवक्ताओं ने साझा किया अपने विचार।